मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित, और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक अधिकार के सार की समरी। और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अपना ब्रैम्पटन का जो मंदिर है, इसमें पिछले कई वर्षों से नियमित स्वाध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चल रहा है। आप में से कितने ही लोग उसका लाभ लेते होंगे और कितने नहीं भी लेते होंगे। तो यहाँ पूरा दैनिक स्वाध्याय में, मतलब हर संडे को, रविवार को करते हैं, प्रत्येक रविवार को जो नियमित स्वाध्याय चलता है उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा स्वाध्याय किया हुआ है। इसलिए अब हम उसको क्या कहना चाहिए, रिविजन के तौर पर एक समरी हमारे ध्यान में आ जाए। और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो लोग स्वाध्याय में नहीं आते हों उन्हें थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई ग्रंथ तो स्वाध्याय में यहाँ बना ही रहता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम से ही स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग में प्रकाश करने वाला। आप चौराहे पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, तो आप एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़िए, तुरंत पता चल जाएगा कहाँ जाना। हमने अभी तक पांच अधिकारों की चर्चा की। पहले अधिकार में मंगलाचरण, ग्रंथ की प्रमाणिकता, प्रयोजन, अर्हंतादि का स्वरूप, वक्ता का, श्रोता का स्वरूप, वाचने सुनने योग्य शास्त्रों की चर्चा की। दूसरे अध्याय में हमको संसार रूपी रोग है इस बात की बात की। तीसरे अधिकार में उस संसार रूपी रोग में क्या क्या दुख होते हैं और उनके अभाव में मोक्ष में सुख होगा इस बात की बात की, और वह दुख का मूल कारण जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, इसकी चर्चा चौथे और पांचवें अधिकार में की। चौथे अधिकार में मुख्य रूप से अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात की कि जो बिना सिखाए ही, बिना किसी ट्रेनिंग के अपने आप ही हम संस्कार वशात शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, संयोगों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पाई जाती है। और हमने चर्चा यहाँ की प्रयोजन भूत तत्वों के नाम पर कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तत्वों के बारे में उल्टा पुल्टा जानते हैं। जीव अलग है, अजीव अलग है, एक में एक जानते हैं। आश्रव बंध हे हैं, बुरे हैं, उन्हें भले मानते हैं। संवर निर्जरा भले हैं, उन्हें बुरे मानते हैं, परिचिति नहीं रहते हैं। और मोक्ष के संदर्भ में भी कल्पना से ही स्वर्गादिक की मान्यताओं के अनुसार ही उसके बारे में मान लेते हैं, यथार्थ मोक्ष क्या है ये नहीं जानते हैं। क्यों? मोह की ऐसी ही महिमा है। सार रूप से अंत अंत में ये भी कह दिया था कि कुछ ठिकाना नहीं रहता है। कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, कभी कहता है बच्चे रहे तो मैं ही रहूँगा, कभी कुछ कभी कुछ, जो उसके मन पे आता है अपनी कल्पना से। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जो है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। और उसके बाद जैसे तैसे कदाचित कुछ संयोग इसको ठीक मिल भी जाते तो काम हो जाता, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व माने पुराना नहीं है, नया है, अभी अभी ग्रहण किया है, ताजा ताजा देखा देखी, आसपास जो हो रहा था हमने बिना बुद्धि लगाए, बिना अपना विवेक प्रयोग किए करने लग गए,
वो योग्य था अयोग्य था इस बात की भी परवाह नहीं की, इसका वर्णन पांचवें अधिकार में किया। छठवें अधिकार में जो वर्णन कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। किस किस का? कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध माने निषेध। इन तीन चीजों से बचो। अब योगानियों की बात है कि हम जिसे काल क्रम में कहते हैं ना, ये पंचम काल है, नाम ही इसका दुखमा है, ऊपर से हुंडा अवसर्पणी काल है। तो इस काल की एक विशेषता ये भी है कि इस काल में गृहीत मिथ्या तो विशेष पाया जाता है और उसका ही ये पार्ट है कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म। कहने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर व्यवस्था ऐसी होती थी, या तो देव होते थे जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, या फिर संसारी होते थे, या तो गुरु होते थे जिन्होंने समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है, आशाओं का त्याग कर दिया है, ज्ञान ज्ञान में लीन है, या फिर सामान्य गृहस्थ होते थे। बीच की परिस्थिति नहीं बनती थी। अभी हम जिस वातावरण में हैं वहाँ एक बीच की तीसरी परिस्थिति और है। कौन सी? कि एक तो देव जो वास्तव में देव हैं, और एक वे लोग जो देव नहीं हैं, एक तीसरे और हैं बीच में जो देव नहीं हैं लेकिन देव होने का दावा कर रहे हैं, वो हैं ये कुदेव। एक तो गुरु हैं जिनसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, और एक सामान्य लोग हैं, लेकिन जो गुरु नहीं हैं वे भी गुरु होने का दावा कर रहे हैं, वे हैं कुगुरु। एक तो धर्म होता है या अधर्म होता है, ये कुधर्म क्या होता है ये समझो, हमारा मनुष्यों की ही खुरापात है ये और कुछ नहीं। वस्तुपने से है नहीं लेकिन कल्पना से ये चीजें हमारे सामने आ गई हैं। टोडरमल जी ने इसकी बारीकी से विश्लेषण किया और शुरुआत यहीं से की कि अब हम उसका निरूपण करते हैं। देव के बारे में लिखा कि जो हित के कर्ता नहीं है उन्हें हित का कर्ता मानना ये कुदेवपना है। मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये हुआ कि हमारे तीन प्रयोजन मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से तीन प्रयोजन? देव को मानने का या धर्म को मानने का या किसी भी मंदिर में आने का। एक तो मोक्ष का प्रयोजन कि हमें मोक्ष मिल सकता है। दूसरा एक होता है परलोक का प्रयोजन कि अगली गति में जहाँ भी जाएं हमें ठीक ठाक व्यवस्था मिल जाए, बहुत बुरी हालत ना हो हमारी। तीसरा प्रयोजन होता है इस लोक का, अभी हाल का, बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी परिवार कुटुंब जो भी है, आजीविका आदि का। तो ये तीन प्रयोजन हमारे मुख्य रूप से होते हैं देव के पास जाने के, कुदेव के पास जाने के, धर्म करने के। तो टोडरमल जी विश्लेषण करके ये बता रहे हैं कि जो कुदेव हैं उनसे तुम्हारे एक भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, क्यों? वे खुद ही मोक्ष में नहीं है। चलो सर मोक्ष छोड़ो, तो परलोक की और इस लोक की सिद्धि हो जाएगी कि नहीं? सब परलोक और इस लोक की भी सिद्धि पुण्य के उदय से होती है, और पुण्य का बंध भी अच्छी क्वालिटी का सच्चे देवसागुरु के सानिध्य में बनता है। तो कुदेव के सानिध्य में तो संक्लेश परिणाम होंगे, आर ध्यान रौद्र ध्यान होगा, वहां तो आपके अंतर मन में वो कामना जारी रहेगी, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, विशुद्ध भक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके तीनों ही प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं होंगे। फिर यंत्र आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध बताया। लोग कल्पना से ही देवी देवताओं की कल्पना कर लेते हैं और उनको पूजना शुरू कर देते हैं। उस समय पहले तक स्थिति ऐसी थी कि जब हमें कुछ कारण दिखाई नहीं देते थे तो हम मन से ही कल्पना से भी किसी को भी कारण मान लेते थे। दुनिया में बीमारियां भी फैलती थीं और हमें ना पता हो ये क्यों फैल रही हैं, क्या हो रहा है, तो हम उस बीमारी का कोई ना कोई ऐसा नाम रख देते थे, देवी देवताओं के नाम पे नाम रख देते थे या उसे देवी ही मान लेते थे। हिंदुस्तान में चिकन पॉक्स हुआ तो उसका नाम ही रख दिया था, क्या नाम था उसका? हाँ ये सब फौज बैठी हुई है
ना सबको पता है इस बात, नाम ही शीतला रख दिया, वो शीतला माता नाराज हो गई है। तो ठीक कैसे होगा कि जाओ शीतला माता के पास जाओ। टोटर मजी साहब कहते हैं कि नहीं, अपना समय शक्ति बर्बाद मत करो, मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। फिर कई लोग बीच में बोलते हैं नहीं साहब, व्यंतरदेव होते तो हैं, और व्यंतरदेव में बहुत ताकत होती है, बहुत सामर्थ होती है, और उसने उसका काम कर दिया था, हमने चमत्कार देखा है, पहले बहुत गरीब थे, अब उनके पास बहुत पैसा हो गया है, जो जो भी उदाहरण बना ले। तो टोटर मजी सिंपल बात बताते हैं, हमें ये बताओ व्यंतरदेव कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे कर्म के उदय के अनुसार हमारी सहायता करेगा या हमारे कर्म के उदय के अगेंस्ट हमारी सहायता करेगा? समझो, हमारे पुण्य का उदय है तो किसी यंत्र की ताकत है उसमें वो हटा सके हमारे पुण्य के उदय को, और हमारे पाप का उदय है तो कोई ऐसा यंत्र है जो हमारे पुण्य के उदय को हटा सके? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, रामचंद्र जी, पांच पांडव, श्री कृष्ण, कोई भी लिस्ट उठा के देख लो, इनकी किसी ने सहायता नहीं की है, और तुम सोच रहे हो तुम्हारी सहायता होगी? गजब की नेतागिरी चल रही है। तीन खंड के अधिपति हैं, छह खंड के अधिपति हैं, बहुत पुण्य लेके घूम रहे हैं, इंद्रादि जिनकी सेवा करने आते हैं वहां व्यंतरादि सहायता नहीं करते देखे जाते हैं, पर तुम्हें क्या लग रहा है तुमसे तुम्हारी सेवा करने व्यंतर आएगा? कदाचित जिनेन्द्र परमात्मा की आप भक्ति करते हैं तो वो आपके पुण्य के उदय में सहाय कर सकते हैं, नहीं करते हैं पाप के उदय में असहाय कर सकते हैं, लेकिन वे आपके पुण्य और पाप के उदय को नहीं ला सकते हैं, इसलिए उनके भरोसे नहीं रहना, उनसे डरना नहीं, उनसे भयभीत नहीं होना, वे तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकते। चित्त में जो आपके दिमाग में जो बिठा दिया जाता है ना देवों को, कुदेवों को, कि साहब नहीं पूजोगे तो तुम्हारा बुरा कर देंगे, नहीं नहीं, बुरा करने जितनी सामर्थ्य उनमें नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि वो किसी का बुरा कर सके। कोई भी, वो तो क्या, कोई भी किसी का बुरा कैसे कर पाएगा? और अगर यही एक दूसरे का बुरा करने लग जाएंगे तो फिर 148 कर्म प्रकृतियों का क्या होगा? इसलिए व्यंतरादि को पूजने का यहाँ निषेध किया। आगे जाके नाम से भी, क्षेत्रपाल हैं, पद्मावती हैं, और भी कई नाम हो सकते हैं, कि इन देवी देवताओं को भी आप जो वीतरागी परमात्मा के समान पूजा करने लग जाते हो, उनकी सेवा करने लग जाते हो, तो कहते हैं उससे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। लेकिन अब क्या करें, आपको लगता है नैनी साहब आपको पता नहीं है इनमें बहुत ताकत होती है, फलाना होता है, ढिकाना होता है, तो हमने पूछा है कि बताओ साहब क्या ताकत होती है? अरे आपको नहीं पता है, पार्श्वनाथ भगवान जब ध्यान कर रहे थे मोक्ष में जाने से पहले, उपसर्ग हुआ था, हमने हुआ था, उस उपसर्ग निवारण में सहायता की थी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। फिर पूछा उसके बाद और भी तो मुनराज हुए, और भी तो उपसर्ग हुए, और भी तो परेशानियां आई, हमारे देश के आधे से ज्यादा मंदिर टूट गए, तकलीफें बहुत आई ना उसके बाद भी, फिर क्या हुआ? फिर नहीं पता है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट तो वो तो को इंसिडेंस माना जाएगा ना। भाई पद्मा समझो, क्षेत्र आपके धर्मेंद्र हैं, पद्मावती वहाँ से जा रहे हैं, और किसी मुनराज पर उपसर्ग हो रहा है, और उन्होंने समझो उसमें सहायता कर दी, तो एक को इंसिडेंस है ना। आप भी वहाँ से गुजर रहे होते तो आप क्या करते? मुनराज की सुरक्षा ही करते ना, तो वो काम उन्होंने कर दिया। चूंकि उन्होंने मुनराज का उपसर्ग दूर किया इसलिए वे मुनराज हो गए, या मुनराज से भी बड़े भगवान हो गए, इसमें तो आपको विवेक लगाना होगा। ये भीड़ वाला काम नहीं है कार्यक्रम, कि 100-150 लोग पहले से जिस लाइन में लगे उसी लाइन में लग जाओ, मोक्ष के लिए तो आपको अपना विवेक चाहिए। कई प्रश्नोत्तर किए हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किया है 174 नंबर के पेज पर। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, ठीक है वो हमारा कुछ काम नहीं करते हैं तो ना करें, उनके मानने से बिगाड़ भी तो नहीं होता। ये ह्यूमन, इंसान एक नए नए लॉजिक ढूंढ के लाता है। वो क्या लॉजिक ढूंढ के लाया कि चलो ठीक है हम आपकी ये बात मान लेते हैं, इनसे हमें कुछ लाभ नहीं होगा,
लेकिन मान भी लिया, इनकी पूजा कर भी ली, तो हमारा नुकसान क्या है, बिगड़ क्या जाएगा? पॉइंट ख्याल में आया संजय भाई? हम इन्हें पूजेंगे, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हमने पूज दी, पूजा कर ली, तो बिगड़ क्या गया? टोडरमल जी क्या कहते हैं मालूम है? यदि बिगाड़ ना हो तो हम निषेध किस लिए करें? हम कोई खाली बैठे हैं क्या? और कोई काम धाम नहीं है हमारे पास जो हम निषेध कर रहे हैं? यदि आपका इसमें बिगाड़ ना हो तो हम निषेध ना करते। परंतु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है। दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यही बिगाड़ है। अब आप कहोगे मिथ्यात्व हुआ, चलो समझ में आया, इसमें पाप क्या हुआ? बोलो इसमें पाप कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, दो दो अलग अलग बताए ना। एक तो मिथ्यात्व है जो अनंत काल तक तुमको दुखी दुख देगा ही, दूसरा कुदेवादिक को पूजने में पाप होता है। यहां कोई पूछे मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं, और पाप बंध यानी खोटे बुरे कार्य करने से होता है, सो उनके मानने से मिथ्यात्व आदि को वह पाप बंध किस प्रकार होंगे, आप हमें ये बताओ। पॉइंट ख्याल में आया? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हम इनको पूजेंगे, ठीक है, हमें कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन बिगड़ क्या जाएगा? तो टोडरमल जी कहेंगे ना बिगड़े तो हम निषेध क्यों करें? क्या बिगाड़ होगा? कि दो बिगाड़ होंगे, एक तो मिथ्यात्व तो पुष्ट होगा और दूसरा पाप बंधेगा। तो शिष्य फिर पूछता है कि भैया आपने मिथ्यात्व तो कहा था अतत्व श्रद्धान से होता है, और पाप बुरा कार्य होता है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, तो यहां तो अतत्व श्रद्धान कहां है? यहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, बुरे कार्य कहां है? तो हमको ये बताओ कि मिथ्यात्व और पाप कैसे हुआ। देखो, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। अब इस पर तो कल अपनी बहुत विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की संक्षेप में। वो तो टाइटल था ना, राग द्वेष का विधान विस्तार। राग द्वेष के विधान विस्तार की चर्चा अपन ने संक्षेप में की कि इष्ट अनिष्ट मान्यता ही अपने आप में महाभयानक परिस्थिति है, खतरनाक परिस्थिति है, बुरी स्थिति है। क्योंकि कोई द्रव्य किसी का शत्रु मित्र है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध ना हो वह करना, तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता पाप बंध होता है, तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, मतलब दिमाग खराब हो गया हो, स्पष्ट आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। और अगर हमारे कोई फ्रेंड्स अनियमति है, कुदेवों को मानते हैं, अगर कुछ कारणवश उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो कुछ कारणवश उनके कुछ रखा है, तो अगर चाहते हैं, हमको पता है कि ये सारा कुदेव है, मानते नहीं है, तो फिर इसमें भी पाप का बंध होता है कि क्या इसका थोड़ा
स्पष्टीकरण। बहुत बढ़िया, पहले इसका स्पष्टीकरण कर लो कि पाप बंद होता भी है कि नहीं होता है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं मालूम है? वो कह रहे हैं कि तुम्हें पुण्य का उदय चाहिए ना, मतलब पुण्य का उदय धनादिक की सामग्री चाहिए। तो भैया धनादिक की सामग्री के भी कारण नहीं है ये, धनादिक की सामग्री का कारण तो व्यापार आदि के, तुम्हें सच में ही बहुत ज़्यादा धन से प्रेम है तो 2 घंटे दुकान ज़्यादा खोल लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई पत्थर, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई देवी देवता, कोई भगवान तुम्हें धन दे देगा या किसी का छीन के दे देगा, इस धोखे में नहीं रहना। ये मान्यता विपरीत मान्यता है, और जहां विपरीतता है वहां मिथ्यात्व। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने कौन है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो क्षेत्रपाल हो, पद्मावती हो, या महावीर हो, या पारसनाथ हो, या आदिनाथ हो, या मैं हूं, या कोई और है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने कौन है। बात यह है कि ये बात ही मिथ्या है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई देवी देवता आपको धन दे सकता है या किसी का छीन सकता है। और जहां मिथ्या है तो मिथ्या तो हो गया। और तीव्र कषाय होने से क्या, तीव्र कषाय होने से मुझे धन मिल जाए, मुझे बहुत धन मिल जाए, मुझे ही सारा धन मिल जाए, ये तीव्र कषाय के परिणाम है ना। तो तीव्र कषाय के परिणाम को ही तो पाप परिणाम कहते हैं। और पाप परिणाम क्या होता है? तो मिथ्यात्व भी हुआ और पाप भी हुआ। इसलिए विश्व का ये जो दर्शन है हमारा, अयाचिक दर्शन है, निर्वांछक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अंगों में सबसे पहला अंग कौन सा है? निशंकित। और उसके तत्काल बाद कौन सा है? निकांक्ष। कोई कांक्षा नहीं। हजारों हजार मंत्र उपलब्ध होंगे जैन शास्त्रों में, मैं बहुत प्रमाणिकता और दावे के साथ कह रहा हूं, इतने स्तोत्र हैं जैनियों के पास, इतने स्तोत्र हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 10-20 तो ऐसे आपके छपे हैं जिनको आप पढ़ते रहते हो। भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, विशापहार है, स्वयंभू है, देवागम है, एकी भाव है, वीतराग है, परमानंद है, आपको बहुत स्तोत्र मिल जाएंगे। ढेरों मंत्र हैं, ढेरों स्तोत्र हैं, ढेरों स्तुतियां हैं। एक स्तुति, एक मंत्र, एक स्तोत्र ऐसा लाओ जिसमें भगवान से कुछ मांगा गया हो, कहीं नहीं मांगा है। उल्टा अंतिम अंतिम पंक्तियों में यह कह दिया होगा, भगवान में मांगने नहीं आया। स्तुति करते करते लास्ट में यह डिक्लेयर कर दिया, जांचू नहीं सुरवास पुन नरिराज परिजन साथ जी। हर स्तुति के बाद में लास्ट में कह दिया कि मैं यहां संसार के सुख मांगने आपके पास नहीं आया था, मैं तो आपके जैसा होने आया हूं। क्योंकि हम जानते हैं ये मांगने से मिलने वाली चीज नहीं है। और यदि आप ऐसी कल्पना कर रहे हो कोई आपको दे देगा, तो बोले ये कल्पना ही कुदेव है। उसके बाद सुगुरु की बात की बहुत विस्तार से, कितने ही तो अपने आप को कुल परंपरा से गुरु मानते हैं, मेरे पिताजी गुरु थे आपके, तो मैं भी गुरु हूँ, इस तरह से पट चलते रहते हैं। तो यहाँ सब निषेध नहीं है, हमारे यहाँ तो गुणों से गुरु होते हैं। जिनके पास गुण हैं वे हम गुरु कहलाएंगे, और जिनके पास गुण नहीं है हम उन्हें गुरु नहीं मानेंगे। और कुगुरु से बहुत सावधान रहने के लिए टोडरमल जी साहब ने प्रेरित किया, और पुराने ग्रंथों के, पुरानी गाथाओं के उदाहरण दे दे के यहाँ समझाया। और लाइन से 180 नंबर का पेज है, देखो मैं आपको 2-4 गाथाएं इसमें दिखा दूँ। 180, 181, 182, 183 ये पूरी जितनी गाथाएं दिख रही हैं अलग अलग ग्रंथों की गाथाएं हैं, और यहाँ संकलित करके लिखी हैं सिर्फ इस बात के लिए कि भैया तुम बाकी चीज़ों में सावधानी रखो या ना रखो, एक गुरु में जरूर सावधानी रखना। यहां तक लिख दिया है इसमें, देखो मैं आपको कितना बताएं इसमें, ये एक ये है 36 नंबर का, मैं सीधा अर्थ पढ़ देता हूं समय बचाने के लिए। सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ नहीं कहते, हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं
उसे लोग, मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं। कुगुरु की तुलना कंपेयर किससे किया? अगर यहाँ सांप आ जाए अपन उसको छोड़ के भागेंगे ना, तो कोई गलत नहीं कहेगा हाँ ठीक है। ऐसे ही कुगुरु अगर यहाँ आ जाए और मैं उनसे मिलने ना आऊं, तो लोग हमको कहेंगे देखो कैसा बड़े बड़े बहुत बड़े वो हो रहे हैं, और इनको तो 1000 लोग मानने वाले हैं, इनको तो 50,000 मानने वाले हैं, इतने फॉलोअर हैं, और तुम अलग से भाग रहे हो। लिखा है नीचे, सर्प तो एक बार मारता है, अगर डस ले ना तो क्या होगा, एक बार शरीर छूटेगा, और कुगुरु यदि डस लेगा तो गति गति में कितने भाव बिगड़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। बहुत सावधानी पूर्वक कहा है, इसलिए आप थोड़ा कहा बहुत जानना, लेकिन फिर भी जनता तो जनता ही है, अपनी बात कहती रहती है। वो कहती है शिथिलाचार, पोषक युक्तियां और उसका निराकरण। प्रश्न दिए हैं, क्या प्रश्न है? यदि हम गुरु नहीं मानेंगे तो हम तो निगुरा कहलाएंगे, बिना गुरु वाले कहलाएंगे, तो बिना गुरु वाले कहलाना ठीक नहीं है। तो पंडित साहब ने क्या जवाब दिया है, देखो जो गुरु ना माने वो निगुरा कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई गुरु नहीं है फिर भी किसी ना किसी को गुरु बना ले रहे, जैसे इस काल में हंस नहीं होते हैं तो ऐसा थोड़ी है बगुले को ही हंस बोलने लग जाओ आप। हमारी क्या समस्या, अब कोई गुरु नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं इनको ही गुरु मान लेते हैं, इनको ही मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु योग्य परिणाम, गुरु योग्य गुरुस्थान होगा तो ही उन्हें गुरु माना जाएगा। और गुरु भी अनेक प्रकार के हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। यहाँ बात चल रही है मोक्ष मार्ग के गुरु की, तो वहाँ तो 28 मूल गुणों की बात कही। फिर इसमें सारे प्रश्न किए हैं, एक प्रश्न है इसमें लिखा है, अब भैया पहले जैसे श्रावक भी तो नहीं रहे भाई, चौथे काल में या पहले जैसे श्रावक होते थे, अब श्रावक भी तो ढीले पोले होने लग गए हैं, तो जैसे श्रावक वैसे मुनि। तो टोडे साहब क्या जवाब दे रहे हैं कि देखो श्रावक कोई एक टाइप का नहीं होता है, श्रावक तो अभी अभी जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसका भी नाम श्रावक है, जो सामान्य जीवन जी रहा है उसका भी नाम श्रावक है, जिसने अणुव्रत ले लिए हैं उसका भी नाम श्रावक है। तो श्रावकों की तो बहुत वैरायटी है, लेकिन मुनि तो इतने तरह के नहीं होते, मुनि तो एक ही तरह के होते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, तो इसलिए उसमें भेद नहीं बनते हैं, श्रावकों से उनकी तुलना न की जाए। उसके बाद कुधर्म का निरूपण है, उसके श्रद्धान का निषेध है कि कहीं भी जो आप धर्म की कल्पना कर लेते हैं उनसे बचो। कितने ही लोग तो हिंसादि पापों में, विषय कषाय आदि सेवन में धर्म की कल्पना कर लेते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया नाचना, बढ़िया गाना, यही धर्म है, तो बोले इसमें धर्म कहाँ होगा, आप विचार करो। इस तरह से छठवां अधिकार पूरा कुगुरु कुदेव और कुधर्म के निषेध के लिए समर्पित हैं, और इसका अंतिम पेज निकालो 192, वहाँ बहुत वजनदारी के साथ कहा है, जैन धर्म में तो यह आमनाए है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो, निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। वो आपकी फ्रेंड क्या कहेगी उसके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा है ये। मैंने इसलिए तब जवाब नहीं दिया था कि यहाँ आने वाला है ना, मतलब आप उसकी 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 गहराई देखो। टोडन मजीद साहब क्या लिख रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सत्य व्यसन भी, जो पाप बहुत बुरे कहे गए हैं, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, ये सब बुरे काम, ये भी छोटे पाप है, ये छोटा पाप है। बोले अगर आपको चॉइस मिले तो बोले पहले मिथ्यात्व छोड़ना फिर सत्य व्यसन छोड़ना, चॉइस मिले। हाँ, इससे ज्यादा तक तो मेरे हस्बैंड ने वो सबको वैसा ही बोलते, ये
हमारा डिपार्टमेंट नहीं है तो हम नहीं। देखो भैया, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है और मैं समझता हूँ अब लोग भी इतने समझदार होने लग गए हैं कि झगड़ा नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। बस आप उनको विनम्रता से कह दें, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी से चिढ़ना नहीं है, हमें किसी कुदेव कुशास्त्र पुरगुरु से द्वेष नहीं है। आप समझ गए, हमें किसी से परेशानी नहीं है, बस हमारी पद्धति, हमने जीवन में ये चुना है कि हम वीतरागी देवसा गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं निकलेंगे, किसी की पूजा, ये हमारा चुनाव है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम उस पर अडिग हैं। फिर हमको इसकी परवाह नहीं है कौन हमारे इस निर्णय की प्रशंसा करता है, कौन इस निर्णय की निंदा करता है। और आप तो इतने बढ़िया देश में रहते हैं, यहाँ तो इतनी समस्या ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मुंडी पकड़ के ऐसे धर देते हैं। आप समझे, इतना फोर्स नहीं है। यहाँ तो आपको रोटी खानी है खाओ, नहीं खानी है नहीं खाओ, दूर से पूछ रहे लाए कि नहीं लाए बोलो। हमारे यहाँ तो ठूंस देने एक ले ही, मतलब वो जो सिस्टम होता है ना, तो यहाँ तो आप बहुत अच्छी परिस्थिति में, कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं। लेकिन अपनी बात भी ना रखें, हम चर्चा भी ना करें, हम डिस्कशन भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। सामने वाला यदि भद्र है, विनम्र है, कुछ जानना चाहता है तो बताओ, नहीं जानना चाहता है तो मत बताओ, हमारी चॉइस है। भाई इतने सारे शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं, हर शॉपिंग सेंटर में घुसना जरूरी है? और जिसमें हम नहीं घुस रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम उसका अभिनय कर रहे हैं, हम उसकी आसाधना कर रहे हैं, ऐसा है क्या? पॉइंट समझना, इतने सारे हैं, हम नहीं गए किसी दुकान में तो वो दुकानदार हमारे ऊपर कोर्ट केस करेगा कि पंडित जी यहाँ टोरंटो में आए थे और मेरे से स्टोर में नहीं आए? ये तो बेवकूफों के काम है, हमें नहीं पूजा, हमें नहीं पूजा, हमें नहीं पूजा, इनको नहीं पूजा, उनको नहीं पूजा। अरे भैया, सबके अपने निर्णय हैं, सबके अपने श्रद्धान हैं, जिसको जहाँ जमेगा पूजेगा। और तर्क युक्तियों से विचार करना हो तो ये विचार करो, जिन धर्मों में तो मिथ्यात्व को बहुत बड़ा पाप कहा है, इसलिए इसको छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। भर्तहरि का नीति शतक का श्लोक दिया है, कोई निंदा करो तो करो, स्तुति करे तो करे, लक्ष्मी आओ अथवा जहां तहां जाओ, अभी मरण हो जाए या युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी नहीं चलित होते हैं। गुरुदेव श्री बोलते थे इसको, पोपा भाई का राज नहीं है। कि जिसको मन में आया जो कर लिया और बोले धर्म हो गया, बहुत सावधानी का मार्ग है, युक्ति युक्त मार्ग है, अंधविश्वास का निषेध है, आडंबर का निषेध है, किसी व्यक्ति की निंदा प्रशंसा यहाँ है ही नहीं। अभी रत्नानंद श्राव का आचार्य में पढ़ो तो उसमें बहुत इस पर लिखा है, किसी भी व्यक्ति ज्ञानी जीव निंदा तो किसी की करते ही नहीं है। अब फिर आप पूछोगे जब निंदा नहीं करते हो तो पूज लो, क्या दिक्कत है? जब निंदा नहीं करते हो तो आप पूज लो। नहीं, पूजने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनमें पूजने जैसा गुण हमको नहीं दिख रहा है, वे तो हमारे जैसे दिख रहे हैं। हम जैसे राग द्वेष कर रहे हैं वैसे वे राग द्वेष कर रहे हैं, तो हमें पूज्यत्व का कारण बताओ। पूज्यत्व का कारण तो वीतराग विज्ञानता है, जो अपन ने पहले और अधिकार में ही तय किया था। अब है आपका ये सातवां अधिकार, बहुत 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 महत्वपूर्ण अधिकार है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप सोच लीजिए कि एक साधु रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखने के अभ्यासी जीव सिर्फ एक समझो पुस्तक अपने पास रख सकते थे, तो गुरुदेव श्री सातवें अधिकार को अपने साथ रखते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखवा लिया था। इतना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्यों है, जब एक एक मैं हेडलाइन अकेली पढ़ूंगा ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम और आप सब आद्योपांत अभ्यास नहीं करते हैं, बीच बीच में से जहां तहां कभी किसी के सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी कोई सा भी पढ़ लिया, तो हमारे पास बहुत टुकड़ों में ज्ञान है, तो हम एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और उससे विरोध खड़ा हो जाता है। जैसे आप जिस दिन प्रवचन सुनने आए
उस दिन निश्चय न्याय का निरूपण चल रहा था, आप सुन के चले गए, आपको लगा कि वस्तु ऐसी होती है। कोई आपका दूसरा भाई अगले दिन आया, आप उस दिन नहीं आए, उस दिन व्यवहार न्याय का निरूपण चल रहा था तो उसने व्यवहार का सुन लिया। अब दोनों को क्या लग रहा है कि मैंने जो सुना है वो ज्यादा सही है, और सुनने वाले को लग रहा है उसने जो सुना है वो ज्यादा सही है, और धीरे धीरे बात यहां तक आगे बढ़ गई कि आमने सामने आ गए वो कौन, निश्चय और व्यवहार। जबकि मामला बहुत सरल था, बहुत संक्षिप्त था, उलझने नहीं थी। नए वस्तु को समझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, युद्ध करने के लिए नहीं। लेकिन भगवान महावीर की वाणी के ये बहुत महत्वपूर्ण जो दो नए थे, निश्चय नए और व्यवहार नए, हमारी अज्ञानता और कषायों के कारण से हमने इन दोनों नयों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। बहुत से लोग तो माथे पर लेके घूम रहे हैं, ये निश्चय वाला है, ये व्यवहार वाला है, मंदिरों के, ये निश्चय वालों का मंदिर है, ये व्यवहार वालों का मंदिर है, ये निश्चय वालों का मोहल्ला है। भाई साहब, ऐसा पागलपन जैनियों को करना ठीक नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है। इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं कि वो आपके पास अगर एक रुपए का कॉइन है और बीच में से दो टुकड़े कर दें और कहें कि आधा आप रख लो आधा हम रख लें, दोनों ही कंगाल हो जाओगे। ऐसे ही इन नयों को बांटा नहीं जा सकता है, समझ में ऐसी बात थी। हमने उसको बहुत भारी चीज बना दी। निश्चय और व्यवहार पता है कितना सा, क्या क्या काम था निश्चय व्यवहार का? निश्चय व्यवहार का काम सिर्फ इतना सा था, अंदर की शुद्ध परिणति मोक्ष मार्ग में उसको निश्चय कहा, और उसके साथ में होने वाली जो बाह्य की व्रतादिक की अवस्था है उसको समझो व्यवहार कहा। और व्यवहार का अवलंबन लेना है कि निश्चय का अवलंबन लेना है, ये हमारी अपनी भूमिका अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चॉइस है, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हमारा आग्रह बढ़ गया, जिसने जो कर रखा है ऐसा लगता है पूरी दुनिया ऐसा करे। मैं आपसे पूछता हूं, यहां से जब मैं खड़ा हूं और मेरे सामने ये टेबल है तो आप मुझे एक सलाह दो, मुझे इस टेबल का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब मैं यहां से उठूंगा तो मुझे इस टेबल का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये पूरे अधिकार का सार बता रहा हूं आप संक्षेप में। पंडित साहब आपकी क्या राय है? आपकी शक्ति के अनुसार आप कुछ तो एडवाइस दो, मैं इसका सहारा लूं या ना लूं? मुकेश भाई, क्या क्या इसके घंटों विचार विमर्श करने के बाद भी क्या आएगा इसका जवाब? कोई दूसरा डिसीजन लेगा? मेरे पैरों में ताकत ना होगी तो मैं सहारा लूंगा, और मेरे पैरों में ताकत होगी तो मैं सहारा ना लूंगा। तो सहारा ना लेना ये निश्चय है, सहारा लेना ये व्यवहार है। तो उदाहरण देकर समझाया है, समय सार में, कलश में, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। समय सार का कलश है ये, जो ये कह रहा है जैसे दुर्बल व्यक्ति को लाठी हस्तावलंबन है, ऐसे ही जो अपरम पद में है उनके लिए व्यवहार न प्रयोजनवान है, अवलंब योग्य है। खुल्लम खुल्ला, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। इतनी सी बात है, और फिर आपसे प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर दो, बोलो बैसाखी से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बैसाखी से चलना हे है या उपादे? संस्कृत में बोलो थोड़ा सा, शास्त्र की भाषा में, बैसाखी से चलना हे है या उपादे है? तक पहुंचने के लिए सीधा बोलो, बैसाखी से चलना हे है क्या उपादे है?
निश्चय से हे है, त्रिकाल हे है, त्रिकाल हे है। जो बैसाखी से चल रहा है उसके भी अंदर में श्रद्धान ये है कि बैसाखी से चलना हे। हर पल हर क्षण कोई ऐसा अवसर उसे दिखे कि बिना बैसाखी के से मैं चल सकता होऊंगा, तो वो लोग बैसाखी से चलेगा कि नहीं चलेगा? दो मिनट में छोड़ देगा, उसे कोई आकर्षण नहीं है बैसाखी का। वो तो बैसाखी के बिना चला नहीं जा रहा है, पूजा के बिना रहा नहीं जा रहा है। पूजा में नहीं रहूंगा तो पाप में रहूंगा, इसलिए वो पूजा में है। शुद्धात्माओं में जाने को मिले तो पूजा एक सेकंड में छोड़ दो, सुनने में अटपटा लगता है। सच्ची घटना है पुराणों की। मुनराज जा रहे थे, दूसरे मुनराज से कहा कि चलो समो शरण में, तो मुनराज ने कहा नहीं हम नहीं आ रहे हैं, आप चलो। तो अंदर ही अंदर बात कर रहे थे, देखो कैसे मुनराज है, समोसरण लगा हुआ है फिर भी नहीं जा रहे। और जब समोसरण में पहुंचे और वहां दिव्य पुष्प वृष्टि हो रही थी, तो प्रश्न हुआ ये क्या है? तो वाणी में आया कि तुम जिन मुनराज को छोड़ के आए थे रास्ते में, उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या क्या हम बाहर से निर्णय कैसे कर सकते हैं? हमारी कमजोरी पता है सबसे बड़ी वीकनेस, अगर मैं बैसाखी से चल रहा हूं तो ऐसा लगता है सबको बैसाखियां बंटवा दो, सब बैसाखी से चले। हाँ ऐसा ही है। अगर मैं माला जप रहा हूं तो ऐसा लगता है 200 मालाएं रख दो, सब माला जपे। यदि मैं पूजा कर रहा हूं तो सब पूजा करें, मैं पढ़ रहा हूं तो सब पढ़ें, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं सारे तीर्थ। ऐसा नहीं होता है भैया, सबकी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिणाम है। ये विविधता तो रहने वाली, तुम सबको एक भाव। मैं अगर आत्मा में रह सकता हूं तो सबके पूजा छोड़वा दी, बंद करो पूजा, बंद करो पूजा। अरे भैया आप आत्मा में रह सकते हो, रहो, हम नहीं रह पा रहे, हमें तो करने दो। मतलब हम दूसरों में हस्तक्षेप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन नयों का सटीक स्वरूप नहीं समझ रहे हैं, इतनी सी बात है। टोटर मल जी ने वो चीज पकड़ ली कि कोई नए को पढ़ के निश्चयाभासी हो गया है, उसको अब व्रत नहीं करने, उपवास नहीं करने हैं। मतलब यहां तक कि हमारे उत्तम कुल के सामान्य सदाचार हैं वो भी नहीं पालने हैं, और धर्मात्मा कहलवाना है उसे, उसे अवक्ष भक्षण भी नहीं छूट रहा है, उसे रात्रि भोजन भी नहीं छूट रहा है, और सिद्ध समान कहना है उसे, मैं तो डायरेक्ट सिद्ध समान हूं। तो पंडित साहब ने कहा नहीं भाई साहब, मामला थोड़ा सा ठीक करो इसको। नहीं साहब शास्त्रों में लिखा है। हाँ हाँ शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्यों लिखा है इसकी विवक्षा समझो। शास्त्रों में तो स्वभाव अपेक्षा से सिद्ध समान कहा है, दृष्टि के विषय की अपेक्षा से सिद्ध समान कहा है, अभी पर्याय में तू सिद्ध समान नहीं है। जब 8 कर्मों का नाश होगा तब सिद्धत्व प्रकट होगा। बहुत बहुत चर्चा की है इस बात पे, आप मूलतः पढ़ोगे तो टोटल मजी का पता चलेगा, और समय सार के कलशों के उदाहरण दे दे के कि समय सार में तो लिखा है, तो टोटल मजी साहब बता रहे हैं हाँ हाँ पता है समय सार में क्यों लिखा है। बहुत बहुत गजब है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया आएगा। 200 नंबर का पेज है। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। पक्का निश्चयाभासी होगा वो कहेगा क्या तुम पढ़ते रहते हो, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण करने को व्रता क्लेश मानता है, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है, पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। तो फिर आप मनी मन में पूछोगे करता क्या है फिर ये? कुछ नहीं करता, सिर्फ बातें करता है। ये निश्चयवासी है, ये बातें करता है, और बातें भी फिर करेगा तो सीधे टॉप लेवल की करेगा। कौन सी, मैं तो सिद्ध हूं भाई, मुझे तो कर्म बंधन है ही नहीं, आत्मा तो बंधता ही नहीं है। तो बोले कि ऐसे बातें करने से आश्रव नहीं रुकता है, तत्संबंधी ज्ञान श्रद्धान चाहिए। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति का वर्णन किया, मतलब इनको सार कैसे बताया जाए। आप तो पंक्तिबद्ध होके पढ़ेंगे ना, तो आप मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं पता है? ताकि विषय सरल हो जाए, इसलिए सुनना चाहते हो ना।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आप पढ़िए। टोडरमल जी ने पूरे जिनागम को सरल करके प्रस्तुत किया है, वो आपको कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो भाषा हिंदी है और उन्होंने प्रश्नोत्तर उत्पन्न किए हैं, एक एक प्रश्न पर उठा उठा के चर्चा की है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आया है, जगह जगह एक महत्वपूर्ण प्रकरण ये आया है, कौन सा, पर को जानने संबंधी, निर्विकल्प होने वाला और निर्विचार होने वाला प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, 210 नंबर का पेज है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान किसे कहते हैं, ज्ञान में जो गे झलकते हैं, ज्ञान में जो गे बनते हैं। अब ज्ञान का लक्षण ही विकल्पात्मक है और हम कह रहे हैं कि निर्विकल्प दशा, तो निर्विकल्प दशा किसको कहना, निर्विकल्प शब्द का अर्थ क्या है, गेयों को नहीं जानना, ये अर्थ नहीं है निर्विकल्प का। यहाँ निर्विकल्प का अर्थ है राग द्वेष नहीं होना, राग द्वेष को विकल्प कहा है। यदि हम राग द्वेष नहीं करते हैं और पदार्थों को जानते हैं तो जानने मात्र को विकल्प नहीं कहा है, आप जानो पदार्थों को, कोई अतराज नहीं। बहुत गेयों को भी जानकर आप निर्विकल्प रह सकते हैं, मतलब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब सामायिक में बैठना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं या आनंद की स्थिति में जाना चाहते हैं तो हमको क्या लगता है कि ये जो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई यहाँ पर एक दरवाज़ा लग जाए और उस दरवाजे से विचार आना बंद हो जाए, कुछ भी झलकना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, आवाज़ आ रही है चुप हो जाओ, तो बोले कि नहीं, टोडरमल जी ने उसको सरल किया कि जितनी आवाज़ कान में आ रही है आने दो, आँख से जो दिख रहा है दिखने दो, घ्राण से जो हवा चल रही है ठंडी गर्म सूंघने में आ रहा है आने दो, इसका नाम विकल्प नहीं है, जानने का नाम विकल्प नहीं है। किसका नाम विकल्प है, राग द्वेष होने का नाम विकल्प है। जानना तो स्वभाव है, जानना तो नेचर है, हम जानने का निषेध करके स्वभाव का निषेध क्यों करना चाहते हैं। पर को जानने से बंध नहीं होता है, पर को जानना बंध कारक नहीं है, लक्षण है। मतलब आप समझिए, जहां जहां ज्ञान की चर्चा आएगी वहां वहां स्व पर प्रकाशकपना ही आएगा ना, और जहां स्व पर प्रकाशकपना आएगा तो चलो आज स्व प्रकाशकपना आएगा और उसमें पर प्रकाशकपना आएगा तो पर जानने में आएगा तो उसका क्या कर सकते हैं। हम सुखी होने के लिए पर को जानना नहीं चाहते, और हम आपको ये रहस्य बताना चाहते हैं शास्त्र के माध्यम से, पर को जानने नहीं जानने से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। अब जैसे यहां पर मेरी आंखों के सामने समझो 150 लोग बैठे हैं, मैंने जान लिया, अब 500 बैठे होते तो भी जान लिया, और 5 बैठे होते तो भी जान लिया, तो 5, 550 इनमें से जानने में कहां फर्क पड़ रहा है। जो समस्या हो रही है वो हमारे राग द्वेष की हो रही है, कम है कि ज्यादा है कि बहुत बढ़िया है, मरी तो वो समस्या तो मोह की है, वो समस्या तो अपेक्षाओं की है, वो समस्या तो राग द्वेष की है, वो तो तुमने उस कम संख्या को अनिष्ट माना है, ज्यादा संख्या को इष्ट माना है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, दुश्मनों की संख्या ज्यादा हो मित्रों के, मतलब आप समझ रहे, तो ये तो आपकी कल्पना है भाई। तो टोडरमल जी ने कितना गजब रहस्य दे दिया, क्या बिल्कुल मत घबराओ, ज्ञान में कितने गे झलक रहे हैं, क्या करें, बस कुछ करना नहीं है। करने की ताकत होती तो भगवान ऐसे नहीं बैठते, करने की ताकत होती है तो वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, ये सारा वर्णन किया है। देखो 211 नंबर के पेज पे पढ़ देता हूँ बीच बीच में से, ताकि ऐसा लगे कि हाँ यहीं से चल रही है गाड़ी। सो किस प्रकार, सो कहते
राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग का भ्रमाना उसका नाम विकल्प है। भाई साहब ये तुम बार बार खींच के अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी सांसों पे ध्यान दो, ये जो है ना ये जो चल रहा है बाजार में ध्यान के नाम पर, ये कह रहे हैं ये शुद्ध उपयोग नहीं, ये ध्यान अवस्था नहीं। मिथ्यात्व के सद्भाव में पहली बात तो ध्यान होता नहीं है। शरीर और आत्मा को एक मानते रहो, संयोग और आत्मा को एक मानते रहो, परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बनी रहे, तुम्हें ध्यान ध्यान कुछ होगा नहीं, तुम टाइम पास जितना करना है कर लो। तो पहले तो मिथ्यात्व की सत्ता नाश करनी पड़ेगी, और फिर भी जो ध्यान होगा वो कैसा होगा, पर ये ज्ञान में झलकेंगे तो झलकेंगे, नहीं झलकेंगे तो नहीं झलकेंगे, क्योंकि पर ये जो ज्ञान में आ रहे हैं ना वो हमारे चाहने से नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है मालूम है आपको, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उस काल में जो गे ज्ञान में झलकना है वो झलकेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। प्रेमी रत्नमाला में उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति को ऐसी काल कोठरी में बंद कर दो जहां घना अंधेरा है, सुई की नोक की जो अग्रभाग है वो भी वहां प्रवेश ना ले पाए, इतना घोर अंधेरा है, ऐसे अंधेरे वाले कमरे में उसे बंद कर दो, फिर उसके बाद आंखों पे उसके काली पट्टी बांधो, आपने ऐसा उदाहरण दिया है, ये सब काम कर लो, उसके बावजूद भी वह अपनी प्रियतमा का चेहरा साफ साफ देख सकता है। ये भी उदाहरण है, कैसे किसने देखा कि तदावरणी कर्म के क्षयोपशम ने देखा, तो तदावरणी कर्म के क्षयोपशम से विभिन्न गे ज्ञान में झलकेंगे, तो हम क्या करें कि मालिक तुम तो बस राग द्वेष मत करो, और हम क्या कर रहे हैं पता, राग द्वेष नहीं छूट रहे हैं, हम वहां कंट्रोल कर रहे हैं कि चार गे कम झलक जाए, चार गे ज्यादा झलक जाए, तो कोई आंखें मींच रहा है, कोई ज्यादा मींच रहा है, फिर यहां भगवान को देखो, बोलो आंखें बंद है कि खुली है, बंद इसलिए नहीं है कि सो नहीं रहे हैं, और खुली इसलिए नहीं है कि जगत में कुछ देखने लायक नहीं है, इसलिए वो दृष्टि जो है नासाग्रत सहज दृष्टि है, क्योंकि अगर पूरी बंद हो तो निद्रा का प्रतीक है कि ये तो गए अब सोए उठेंगे, और खोल ले वे तो जिज्ञासा का प्रतीक है, जो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ना लोग, तो वो जिज्ञासा शामिल है, तो वितरागी मुद्रा जो है वो नासाग्रत दृष्टि है, क्योंकि यदि आंखें खुली हैं तो जगत में क्या देखेंगे, और बंद हैं तो सो नहीं गए हैं, तो नासाग्र दृष्टि है। कहने का मतलब ये है, ये एक शब्द देखो, सेंटेंस वही है, हम सब निर्विकल्प होना चाहते हैं, निर्विकल्प माने टोडर मल जी कहते हैं निर्विचार नहीं, निर्विचार नहीं, निर्विचार अगर हो जाएंगे तो माइक बन जाएंगे, पुद्गल बन जाएंगे, डब्बा बन जाएंगे, प्लास्टिक बन जाएंगे, कपड़ा बन जाएंगे, ये सब निर्विचार है, ये सारे जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं वे सब निर्विचार हैं, चेतन कभी निर्विचार नहीं हो सकता, सिद्ध भगवान तक निर्विचार नहीं, वहां भी चेतना लक्षण है क्या नहीं है, और उस चेतना का परिणमन वहां है क्या नहीं है, पूरा विश्व ज्ञान में झलक रहा है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम झलकने की है ही नहीं, प्रॉब्लम किसकी है, राग द्वेष। सूरदास जी थे भगवान के सामने बैठे थे, कहानी सुनी है ना सबने, दादा बहुत सुना, तो क्या हुआ, कोई स्त्री दर्शन करने आई तो उनका मन समझो विकृत हो गया, तो उन्हें क्या लगा कि मैंने देखा इसलिए विकार हो गया, ये आंखें नहीं होती तो झंझट नहीं रहती, तो उन्हें आंखें फोड़ ली अपनी, जन्मांध नहीं थे, उससे क्या हुआ, समाधान हो गया। बोले उसके बाद उन्होंने जो पद लिखे उसमें ज्यादा श्रृंगार है, ज्यादा समझो सांसारिक रस है, क्यों, क्योंकि ज्ञान में से कैसे निकले, इसलिए आपने क्या देख लिया, क्या सुन लिया, क्या ज्ञान में आ गया, क्या नहीं आया, ये विषय नहीं है, विषय ये है राग द्वेष ना करें। फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है,
समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं और स्वरूप चिंतन करें तो राग द्वेष घटते हैं, ऐसी निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। किनको? निचली अवस्था वाले। निचली अवस्था वाले नए नए जैन बने हैं, नए नए इस मार्ग में आए हैं, उनको कह दिया हाँ ठीक है काम करो, तुम पर को मत जानो और आत्मा को जानो, पंच परमेष्ठी को जानो, क्योंकि तुम पर को जानने जाते हो तुम राग द्वेष करते हो, रोज कंप्लेंट लेके आते हो, आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने ये कहा, तो आप क्या करोगे? तुम एक काम करो, उनको सुना मत करो। जबकि उनके सुनने ना सुनने का कोई मतलब मामला है ही नहीं, परद्रव्य को जानना या नहीं जानना ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? जाने या नहीं जाने वो अलग विषय है, वो छह ऑप्शन के अनुसार होगा। इष्ट अनिष्ट ना, हमें यदि सुखी रहना है, हमें यदि निर्विकल्प रहना है तो राग द्वेष रहित होना है। देखा जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराए घर जाती थी, उसे मना किया कि पराए घर मत जा, घर में बैठी रहे। जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। कोई यहां मंदिर में भटक रहा है तो अगर दर्शन करने आ रहा है जा रहा है कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उठा के भागने वाला है तो उसका निषेध है। जबरदस्त बात है ये। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों में प्रवर्तती थी, उसे मना किया कि पर द्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह। तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से पर द्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। देखो इतना सिंपल है, साइकिल चलाना सीखा था ना आप लोगों ने, तो क्या कहा? सामने नजर रखो, सामने नजर रखो, सामने ऐसे ऐसे शुरुआत यहां से की, सीधा देखो, सीधा देखो, सामने देखो, ऐसे शुरुआत की। फिर क्या हुआ? हम चलाना सीख गए। अब इधर भी देखते, इधर भी देखते, सीधा भी देखते, कोई समस्या है क्या? लेकिन इधर ही देखते रह जाए तो धड़ाम। अटकने का निषेध है भाई। हम साइकिल चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत झलक गया, कुछ दिख गया, लेफ्ट दिख गया, राइट दिख गया, कोई जाता हुआ दिख गया, राम राम श्याम श्याम हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्योंकि आपका मूल उपयोग साइकिल चलाने पर यथावत है। और तब तक जब तक साइकिल चलाने वो उपयोग है तब तक आपके काम नहीं बिगड़ेंगे, आप समय से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां से उपयोग हट गया, किसी इष्ट वस्तु को देखकर उधर ही रम गए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इष्ट अनिष्ट का निषेध है, पर को जानने का निषेध नहीं है। ये मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये लोग ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, परिणामों को संभालने के नाम पर ये सोच रहे हैं कि हमारे चित्त में कोई ज्ञान में ज्ञेय ना आए। अरे शून्य थोड़ी हो जाएंगे, जड़ कैसे हो सकता है आत्मा ये बताओ। और आत्मा यदि जड़ हो जाएगा तो फिर आत्मा नहीं कहलाएगा। ये जितने भी गोरख धंधे चल रहे हैं विचारों को रोकने के, या खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं किसी विचार को रोकने की आवश्यकता नहीं, सबका स्वागत है, आएंगे चले जाएंगे। टूडर में लिखा है आप सामायिक करने बैठे, बैठ के सामायिक करने, सामायिक करने के बैठने के बाद में कोई विकल्प आया और आके चला गया, टूडर में कहते हैं सामायिक भंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो स्वकाल में आया और चला गया। सामायिक भंग कब होता? जब आप सामायिक छोड़ करके उसी विकल्प में अटक जाते। आपकी समस्या क्या है? वो आया क्यों, वो आया क्यों? आधे प्रश्न वो ही है कि हम सामायिक पे बैठ रहे थे, वो हमको अपने कुछ ना कुछ गेय बन रहे थे, कुछ झलक रहा था, झलकने दो। पढ़ लेना भैया। कहने का अर्थ ये है कि एक एक नए के प्रयोग के द्वारा जिनवाणी ने शुद्धात्मा तक पहुंचाने का कार्य किया है, किसी भी नए ने तुम्हें भटकाने का काम नहीं किया है, तुम भटक गए हो ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत क्या कहें, लास्ट में लिख दिया। जिस प्रकार से इतना समझ लो
रागादि मिटाने का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन, रागादि मिटाने का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, और रागादि का मिटना उसका नाम सम्यक चारित्र। कोटरमल जी मोक्ष मार्ग का कितना संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, कितना सरलीकरण कर रहे हैं, आप बोलो। मोक्ष मार्ग कितना भयानक था पता है आपको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्न सर्गात अधिगमाद्वा जीवा जीवा श्रवण संवन निजरा मोक्षास तत्व प्रमाण नैयर अधिगमा। कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा? उन्होंने क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन माने क्या, सम्यक ज्ञान माने क्या, सम्यक चारित्र माने क्या, तीन है ना चीजें, तीनों की डेफिनेशन बता दी। रागादि घटाने का श्रद्धान मतलब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं इतनी मान्यता, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तुम एक बार हिम्मत से बोलो तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार ये हैं। तुम्हें विकारों में रस आता है, तुम्हें विकारों से प्रीति है। सम्यक दर्शन माने इस कपड़े पे दाग लग गया है ना, स्वीकार करना कि यह दाग है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम स्वीकार नहीं, नहीं वो डिजाइन है सर, डिजाइन है वो तो होगी, क्योंकि तो शर्म आती ना स्वीकार करेगा तो। नहीं सब खराब है, कैसे खराब है, ऐसे ही तो हमको उत्पन्न हुए जो विकार है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कोई भी वो हे है, मतलब विकार को विकार मानना ये सम्यक दर्शन। विकार हे है, रागादि हे है, ऐसा ज्ञान जहां जहां बट रहा हो ले लो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और रागादि घटने लग जाए मोक्ष मार्ग सम्यक चारित्र है। इतना सरल कर दिया, व्यवहाराभासी की बात की कि जहां तहां जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश है लेकिन ये पक्षपाती हो जाता है। फिर डिजाइनदार जितने हैं इसके कैटेगरी उनकी चर्चा की कि एक डिजाइन तो है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, वो अपने आप को इसलिए धर्मात्मा मानता है क्योंकि हमारे पिताजी धर्मात्मा है। आप क्यों धर्मात्मा है, कैसी बात करा साहब? टोडरमल जी रिजेक्ट करते नहीं, आप स्वयं उस पर परीक्षा करके विचार करके युक्ति से निर्णय करके आगे बढ़ो, क्योंकि गलती से अगर तुम्हें गलत कुल मिल गया हो, जहां हिंसा को धर्म कहा जाता हो, जहां पाप को धर्म कहा जाता हो, फिर क्या करोगे आप? इसलिए कुल अपेक्षा से धर्म हम नहीं मान सकते हैं। परीक्षा रहित आज्ञा अनुसार के साथ जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है का नहीं साहब, जिनवाणी में लिखा है, अच्छी बात है, तुम परीक्षा करो। अब एक एक विषय पर इतनी चर्चाएं डिस्कशन हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं टॉपिक्स पर। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, जिनवाणी में जो लिखा है उसे ज्यों का त्यों मत मानो, आज्ञा रूप से परीक्षा करके मानो। अब इसमें अब जिनवाणी में क्यों परीक्षा कर, ठीक है बाकी जगह तो परीक्षा करना चाहिए, हमारी बात समझ में, जिनवाणी की क्यों परीक्षा करना चाहिए बताओ, है कोई बात दो यहाँ? बाकी जगह तो अपने को परीक्षा करना चाहिए, पता नहीं क्या गड़बड़ आ जाए। अब जिनवाणी में तो सब सही बात है ना, तो जिनवाणी की क्यों परीक्षा करना? मेरे लिए होगी, वो मेरे लिए ज्ञान प्रामाणिक होगा, मेरा ज्ञान प्रामाणिक, मेरा ज्ञान प्रामाणिक होगा, श्रद्धान बढ़ेगा, अंधविश्वास हो जाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपने तो कह दिया जिनवाणी में लिखा है वैसा मान लो, अब हाँ 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 ये जो पॉइंट है ना भानु मेहन का, अब जिनवाणी माने इतनी मोटी किताब जिसका कवर हार्ड हो और लाल कपड़े में लिपटी हो, जिनवाणी माने क्या है? ये लिखा है, कहते हैं कि नहीं भाई साहब, जिनवाणी में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, अहिंसा परमो धर्म है, आ लिखना छूट जाए और छप जाए, छप जाए उसमें क्या है, और छपने के बाद कोई कहे देखो जिनवाणी में लिखा है, तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, हाँ बोले लिखा रहने दो, हम नहीं मानेंगे, परीक्षा करके निर्णय करेंगे। मतलब धर्म को कितना साइंटिफिक बना रहे हैं टोडरमल जी, कितना साइंटिफिक बना रहे हैं टोडरमल जी धर्म को, कितना वैज्ञानिक बना रहे हैं। कोई मत पक्ष आग्रह इनके चित्त में नहीं है, वे कह रहे हैं कि उत्तम से उत्तम वस्तु की भी परीक्षा करके ही स्वीकृति करना चाहिए। तीसरे नंबर के
सांसारिक प्रयोजना धर्मधारक व्यवहारवासी ये तो बहुत बुरे हैं। बोलो पहला तो अभी ठीक है जो कुल अपेक्षा से है, दूसरा भी ठीक है जो जिनवाणी की आज्ञा मांगता है, औरों से तो भले हैं लेकिन ये तो बहुत बेकार है। कौन सा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजनार्थ माने शुरू किए दो पन्ने पढ़ देते दो पंक्तियां, तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं वे तो पापी ही हैं। क्या कह रहे हैं ये? छल कपट से धनादि एकत्रित करने के लिए विषय भोगों की कामना से, चलो साहब बढ़िया आप समझ गए, वो तो पापी है। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना कठिन है। अंत अंत में लिख दिया इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। मैं एक एक शब्द की क्या व्याख्या करूं, जिन्हें सच में बहुत गहराई से समझना हो ना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर संजीव जी गोधा के भी अद्योपान प्रवचन उपलब्ध हैं, एक पन्ने से लेकर लास्ट तक, और पिछले एकाध साल से मेरा भी स्वाध्याय क्रमिक चल रहा है और सातवीं अधिकारी चल रहा है, व्यवहारवासी के आसपास ही आगे गाड़ी बढ़ रही है उसकी। आप तसल्ली से सुनना एक एक विषय को, तो आपको ख्याल में आएगा कि टोटरमल जी क्या कहना चाह रहे। और एक बार इस माध्यम से आपने धर्म श्रवण कर लिया ना, धरती पलट जाएगी, आप धर्मच्युत नहीं होंगे, आप धर्म से नहीं भटकोगे, क्योंकि किसी पराधीनता का नाम धर्म नहीं है, किसी धर्म गुरु के दबाव में आके लिया गया धर्म नहीं है। मैं कह रहा हूं इसलिए छोड़ दो, नहीं नहीं आप कौन, अपने को हितकारी जाने तो मार्ग में आगे बढ़े। देखा बड़ाई के लिए, बड़ाई माने रोज पूजा जाऊंगा तो लोग समाज में मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, बोला पापी है तू तो। क्या कह रहे हैं, मन में ऐसा सोचना कि चलो मैं रोज मंदिर जाऊंगा तो समाज में मेरा रुतबा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लोग मुझे धार्मिक समझेंगे, थोड़ा मुझे कहते हैं पापी है तू, संसार के प्रयोजन से यहाँ आया है मंदिर, धन बढ़ जाएगा मेरे घर में, संसार के प्रयोजन से आया है। लिखा है जिनसे मोक्ष मिल सकता है उनसे तू स्वर्ग मांग रहा है, उनसे तू संसार मांग रहा है, कदाचित नहीं मिल पाएगा। और साथ में ये भी लिखा है इनकी सेवा करोगे तो आजीविका प्रशंसा यश मान बढ़ाई धन सब होगा, लेकिन तुम मांगना मत, बस मांगोगे तो पापी कहलाओगे। बहुत बहुत मतलब मैं तो कह रहा हूँ टोटरमल जी ने कितना सोचा होगा, कितना विचार किया होगा तब जाके कैटेगरी बनाई। फिर व्यवहारवासियों की सामान्य प्रवृत्ति का वर्णन किया कि वे भक्ति करते हैं तो मुंह से तो पाठ बोलते रहते हैं, इधर उधर डूलते रहते हैं, उपयोग नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जीव धर्म करता है ईमानदारी से विशुद्धि से मोक्ष की उपलब्धि के लिए या शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो बस वर्तमान पर्याय संबंधी में ही अटक जाता है। फिर देवादिक का अन्यथा स्वरूप, ये किसकी बात चल रही पता है, पहली पंक्ति थी अब जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं। जैन मिथ्या दृष्टि माने हाँ सर हम तो महावीर को ही मानते हैं, हम दूसरे के पास नहीं जाते सर, पंडित साहब महावीर की ही सेवा करते हैं। टोड़ मई कह रहे हैं तो महावीर की सेवा तो करते हो, तुम ये बताओ महावीर को जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जानते हैं, तो बताओ साहब महावीर के कितने गुण हैं? तो सोच में पड़ गया, फिर ढूंढाण के लाया शास्त्रों में से, तो कहानी साहब 46 गुण हैं उनके, तो फिर टोड़ मई फिर ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम ये बताओ इन 46 में से उनके अपने कितने हैं और पड़ोसी के कितने, उनमें से कितने ही तो परद्रव्य आश्रित हैं, कितने ही आत्माश्रित हैं, तुम सबको खिचड़ी बना देते हो, तुम्हें लग रहा है खुशबू आ रही है ये भी भगवान महावीर में से आ रही है, जबकि ये तो उनकी कोई एक पुण्य प्रकृति का उदय है जो पुष्प वृष्टि हो रही है।
अगर पुष्प वृष्टि नहीं होगी तो वितरागता को पूज्य नहीं मानोगे। इतने डिटेल में मैं देवादिक को मानूं तो देवादिक का स्वरूप भी जानूं, अरंत कौन है, अरंत कैसे हैं, उनके अंतरंग गुण क्या हैं, यही शास्त्र में है कि भगवान की वाणी है तो वो शास्त्र कैसे होते हैं, परस्पर विरोधी रहित होते हैं, स्यादवाद के निरूपक होते हैं। फिर सात तत्वों की चर्चा की, जीव अजीवादि का अन्यथा स्वरूप, जीव अजीवादि के अन्यथा स्वरूप की चर्चा करते हुए इसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है, बढ़िया माने समझने जैसी महत्वपूर्ण बात, कि जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, अपना अंश पर में मिला देता है, पर का अंश अपने में मिला देता है। आश्रवादी में भी वही हालत है इसकी, बंध में, संवर में, निर्जरा में। एक एक पंक्ति पढ़ना, नाम सबके सीख लिए हैं उसने शास्त्र पढ़ के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर, तप, व्रत, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, सब शब्दों को सीख लिया है, लेकिन इन शब्दों का सटीक अर्थ उसे नहीं मालूम है। अच्छा, अर्थ थोड़े से अर्थ, मैं आपको कहाँ गड़बड़ हो जाती पता, सटीक अर्थ कैसे चूक जाते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से हिंट दे देता हूँ कहाँ गड़बड़ हो जाती है। आपने सुना होगा लोगों से, दुनिया का सबसे कठिन दर्शन है जैन दर्शन, दुनिया का सबसे कठिन दर्शन, इसकी चर्या बहुत कठिन है, इसके व्रत, इसके नियम, इसका संयम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ऐसे करके हमने जाने अनजाने में अपने चित्त में ये बात बिठा ली कि भैया हमारे वश की तो नहीं है। भाई कठिन का मतलब क्या होता है, एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, अब चढ़ो सब जने एवरेस्ट पे, तो सब आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे, भैया हमारे, हम खा रहे पी रहे, हम क्यों एवरेस्ट पे चढ़े, कठिन है। जबकि कठिन शब्द के हिंदी साहित्य में अर्थ होता है दुर्लभ, कठिन माने दुर्लभ, कठिन माने रेयर, लिमिटेड एडिशन। तो जैन दर्शन का पालन करना दुर्लभ है, कठिन माने कष्ट साध्य नहीं है। अब मतलब मोहर कौड़ी का अंतर है, मैं आपको अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूं। रौनक जी, टेस्ला खरीदना बहुत कठिन है, थैले भर के नोट चाहिए, और हमने रुपयों से गुणा कर दिया तो दो थैले चाहिए, आप सुनो तो कठिन है। कठिन का मतलब उस सीट पे बैठ के तो कांटे थोड़ी चुभते, उसको चलाता हूं तो जगत में निंदा थोड़ी होती है, आप समझना, कठिन है, कठिन माने दुर्लभ है, रेयर है, उसके लिए फिर वैसी आजीविका हो, उतना पैसा हो तो आता है। तो ऐसे ही जैन दर्शन के अणुव्रत, महाव्रत कठिन है माने दुर्लभ है, लेकिन जिनके पास हैं वे तो बहुत मजे में है भाई साहब। तो वो जो आनंद की स्थिति थी हमने उसको कष्ट की बता दी। अच्छा बता क्यों दी, जैसे लोग हैं वैसे अनुयायी हैं, अनुयायी भी फेसबुक पे पैरों के फोटो छाप खींच के डाल रहे हैं, देखो कितने छाले पड़ गए हैं, और नीचे लिख रहे हैं तपस्या। अब आपके दिमाग में भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, हाँ यार गजब हो गया, इतनी गर्मी में चलते हैं पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सुनो, पैरों में छाले पड़ने का नाम तपस्या नहीं, तपस्या तो आनंदजनक है, तपस्या में से तो आनंद झरता है। अगर पैरों के छाले के नाम तपस्या हो तो त्रेंच गति के जीवों में कितने पैरों के छाले पड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, आप देखो जितने भी जानवर हैं, मनुष्य हैं, मजदूर हैं, पहाड़ों में, कोयले की खदानों में, हीरे की खदानों में, चले अब कितने लोगों के हाथ पैर काले हरे पड़ रहे हैं, जब नमक बना रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तपस्या अलग चीज है, हमने तपस्या को सीधे कष्ट में जोड़ दिया, तो आधे लोग तो तपस्या सुनते ही भाग जाते हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है, क्योंकि उनके दिमाग में है तपस्या माने कष्ट, जबकि कष्ट नहीं है, आनंद की स्थिति है। आप तप तप के देखो कभी कितना आनंद आता है, उपवास करके देखो आपको आनंद आएगा, अणुव्रत पाल के देखो आपको आनंद आएगा, महाव्रत पाल के देखो आपको परम आनंद आएगा। हमने दिमाग में क्या भूत घुसाया, रात्रि भोजन छोड़ना कष्ट है, कठिन है, कठिन माने ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही मर ही जाएगा छोड़ देगा तो। उसने कहीं ना कहीं दिमाग में, आपने अपने बच्चों में इस मिसगाइड किया कुल मिला के,
और मिसगाइड करने से क्या हुआ, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। कुछ लोग तो बोले भाई हमारे बस की नहीं है, तो हम कैसे तय करें तुम्हारे बस की है क्या नहीं है। भाई यहाँ एक वजन रखा है, 10 किलो का बांट बोलते हैं क्या, वजन रखा हुआ है, अब आप इसमें से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, कैसे पता चलेगा। सिंपल है, आप लाइन लगा लो, एक एक करके उठा लो, और जिससे उठ जाए उसको टिक मार्क दे देंगे, हाँ आपसे उठ सकता है। तो ये काम करो, कल आप सब रात्रि भोजन छोड़ के देख लो एक दिन के लिए, और सुबह आपकी लाश मिले तो समझ जाना ताकत नहीं थी जैसे ने, और आप अगर जिंदा बच गए इट मींस आप में ताकत तो है, सामर्थ्य तो है आप में, कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बना रहे। तो रत्नगर श्राप का आचार में तो यही चलने वाला है, जितना बन सके जैसा बन सके। मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ अर्थ क्या, ऐसे ही यहां पर व्रत का, समिति का, महाव्रत का, अनुप्रेक्षा का, एक एक शास्त्रों के शब्द हैं, उनके सटीक अर्थ जाने। व्यवहाराभासी सटीक अर्थ नहीं जानता है, बाहर की क्रियाओं को ही व्रत मान लेता है, भूखे रहने को उपवास मान लेता है। अब शुद्धात्मा का तो अता पता नहीं, भूखे रहने का नाम उपवास हो तो सारे नारकी उपवासी कहलाएंगे, वहां तो एक कण नहीं खाना पीना है, वहां तो बोलो त्रेंच गति के कितने जीव उपवासी कहलाएंगे, देवगति में उपवास हो जाएगा, वहां खाना पीना नहीं है। तो भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। उपवास क्या है अब वो फिर आप सब हम बता देंगे, आप कौन पढ़ेंगे, आप पढ़ना ही सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, ये सातवां अधिकार तो सच में ही पुनः 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 पढ़ने लायक है। हमारी कई मिथ्या भ्रांतियाँ इसमें निकल जाएंगी। फिर उभयवासी का वर्णन किया, कुछ और तीसरे लोग आ जाएंगे, भाई हम तो दोनों का, हम तो निश्चय व्यवहार दोनों में समान मानते हैं, फिर टोटो में कहते मालिक समान मत मानो। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिन वाणी का अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास करते करते भी जो गलत सीख लेते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए करेक्शन कर लीजिए। सिर्फ जस्ट प्रूफ रीडिंग है, ये निंदा नहीं है। देखो तो एक तो ये है, कोई आपके दोस्त बताए ना तो एक तो आप बोल सकते हैं थैंक यू, और एक आप घूर के देख सकते हैं हु आर यू। हाँ, दोनों ही तरह के लोग होते हैं। कोई आपकी अगर गलती बताता है, मिस्टेक बताता है, तो एक तो अंदर से अहोभाव आता है कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने दोष बता दिया, हम ठीक कर लेंगे, और एक ये आता है तुम कौन होते हो दोष बताने वाले। तो ये सातवें अध्याय में तो अपने आप को मोक्ष मार्गी विनम्र रख के जो जो दोष बताए हैं वो छोड़ने लायक हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का किया, समझे इस अधिकार का प्राण है, मैं ढाई पंक्ति है पढ़ देता हूँ। देखो तत्व विचार की महिमा, कल हमने पढ़ाई थी मोह की महिमा, अब हम पढ़ रहे हैं तत्व विचार की महिमा। पेज नंबर है 260। हाँ, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक शिविर रखो, अगली बार हो रहा है ना, जाना का, हाँ तो उसमें श्राव का चार शिविर चलेगा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्तु का अधिकारी है। मतलब यदि आप में सोचने की क्षमता है, यदि आप में विचार करने की कैपेसिटी है, तो आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि आप आंख पे पट्टी बांध के घूम रहे हो तो फिर तो आपको कोई भी ठग सकता है, कोई भी कहीं भी आपको बरगला सकता है। तो आपको यहाँ साफ साफ कर दिया, तत्व विचार करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन की संभावना है, और तत्व विचार नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर ले में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस पूरे अधिकार में पंडित जी साहब ने तत्व विचार करने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। और ये जो खास बात कही है वो ये सबसे अंत में 266 पेज नंबर, इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया।
यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, सारे पाप हाल छूट जाएंगे, बसरते आपका मिथ्यात्व छूट जाए। और इसको अंत अंत में आपसे निवेदन कर दिया है। क्या निवेदन कर दिया है? कि हमने आपको अनेक लोगों के दोष बताए। किसके लिए बताए? किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बताया, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताया। हमारे अंदर जो दोष हों उन्हें दूर कर देना, औरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है, नहीं बोले इसकी जरूरत नहीं है। हम तो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, और कोई और यदि आपसे भद्र होके रुचिवान दिखाए, अपने इंटरेस्ट दिखाए, तो आप उसे बता देना, न दिखाए तो अपना कल्याण कर लेना, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। इस तरह से ये सातवां अध्याय पूर्ण, तो हम कैसे किस हक से कहें कि पूर्ण हुआ? मतलब हमने तो दो चार बातें भी नहीं बता पाए, बहुत रहस्य है। रहस्य माने उन्होंने तो सर्वांगीणता से चर्चा की है, और इसके बाद का जो अधिकार है आठवां, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों? जो नए जीव हैं, नए जीव मतलब जिन्होंने स्वाध्याय रूटीन नहीं करते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, अथवा स्वाध्याय करते हैं तो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, चरणानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, द्रव्यानुयोग में ऐसा है, उन सबको समाधान करने के लिए आठवां अध्याय है। उपदेश का स्वरूप, आपके सामने कोई शास्त्र आ जाए, उस पर कवर ना हो, उस पर जिल्द ना हो, शास्त्र का नाम ना हो, आप पढ़ना शुरू कर देवें, आप कैसे पता लगाएंगे ये शास्त्र है कि नहीं है, ये शास्त्र है कि शस्त्र है, मतलब पता कैसे चलाएं? और शास्त्रों की कैटेगरी कितनी होती हैं, अनुयोग कितने होते हैं, और अनुयोगों में आपस में विरोध है या समर्थन है, वो सारी चर्चाएं आठवें अधिकार में की हैं, और नौवें अधिकार में मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ की है। इन दोनों की चर्चा हम